हाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा कि कौन सा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लूँ ना, रेड कलर ज्यादा सही दिखेगा मुझे लगता है, क्योंकि कल वाले सेशन में बच्चे कह रहे थे मैम रेड ले लो रेड ले लो। तो आप बताओ रेड लूँ या ब्लैक, देखना ब्लैक कैसा लग रहा है, बताना कौन सा लूँ। मैम रेड। अच्छा रेड ले लो, चलो बहुत सारे वोट रेड को जा रहे हैं तो मैं रेड ले लेती हूँ, चलो ठीक है ओके। तो हाइड्रोकार्बन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। अच्छा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो मैं बोल सकती हूँ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन और कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मैं बोल सकती हूँ सिंपल सी डेफिनेशन है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लूँ, तो आप कहोगे मैम सिंपलेस्ट तो मिथेन होगा, आप एक कार्बन ले लो और चार हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। फिर एक काम करती हूँ मैं ना, इस सपोज मैं, हाँ ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इन हाइड्रोजन को ना रिप्लेस करना स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लगाना चाहती हूँ। तो सपोज मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया, सपोज मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, सपोज मैंने एक ये बना दिया, ठीक है, एक ये बना दिया। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि हमने हाइड्रोकार्बन से ही, हम हाइड्रोकार्बन से अलग अलग कंपाउंड जो है जनरेट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, देखा होगा कभी, दर्शन किए होंगे इसके, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। नहीं किए दर्शन तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये पेपर में तो नहीं आएंगे, मैं लेकिन हाँ 12th में तो पूरा चैप्टर है, मतलब इसके इससे रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन 12th में हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दर्शन करा दिया कि मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ 11th में भी कई कई जगह पे है, इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। और 12th में तो पूरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन से ही आप और फंक्शनल ग्रुप जो है जनरेट कर सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सिर्फ मैंने बताने का मोटिव मेरा यही था कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ, तो आप ये मत बोलो कि मैम जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। उसके अलावा भी भैया ऑक्सीजन भी होता है बीच में, उनका साथी नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है, और भी उनके साथी होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी तो होती ही है, लेकिन उसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की भी स्टडी करते हैं। तो सिर्फ ये बोलना कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को ही पढ़ते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर वो सामने वाला गलत इंटरप्रेट कर लेगा कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसमें सिर्फ एनर्जी के, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपको पता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इनमें क्या होते हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे एलपीजी में तो प्रोपेन होती है, राइट। सीएनजी, पेट्रोल, डीजल में मिथेन होती है गैस, ब्यूटेन होती है। मेरे को एग्जैक्ट कंपोजिशन तो मैं नहीं रट के आई हूँ, लेकिन हाँ इसमें ये गैसेज होती है। तो ये हाँ बोल सकते हो कि इनमें जो है आपके सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे देखो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। ये लो डेंसिटी के पॉलिथीन है, मैंने आपको दिखा रखे हैं, बोतल की पैकिंग है, ब्रेड की पैकिंग है, और जो ये बड़े बड़े कंटेनर है हाई डेंसिटी वाले हैं, तो जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें जो है हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। तो ये सिंपल अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं एनर्जी के जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, और जस्ट पॉलीमरिक प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो ये तो था हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हम चैप्टर को समझने में कि क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और क्या कुछ कितनी क्या क्या क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन की, राइट। तो देखो हाइड्रोकार्बन को जो है क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है। डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके पूछेंगे, हो सकता है कि मैं चैट पे इतना ज्यादा एक्टिव ना रहूं, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको लगे। तो सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक
ठीक है, जिसमें हो अनसेचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एरोमेटिक में आपको इस टाइप से जो है साइक्लिक रिंग दिखाएंगे, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं ना, याद आ रहा है, बेंजीन। और भी होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन क्योंकि आपका अच्छा खासा दोस्त है बेंजीन, आप इसको हर जगह देखते हो, हर जगह देखते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया। बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सैचुरेटेड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने, एल्केन और साइक्लो एल्केन। एल्केन्स में क्या होता है, ओपन चेन, ठीक है, और अगर इस चेन को पकड़ के खींच के रिंग बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज चेन बन जाएगा, या मैं बोलूँ साइक्लो एल्केन्स बन जाएगा। वैसे इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि 6 कार्बन है ना ये, इसलिए। और अनसेचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइन्स, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, साइक्लो एल्केन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में किसी को कंफ्यूजन है क्या? नो मैम, क्लियर है। एरोमेटिक, देखो मैं बता देती हूँ आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपका हर एक कार्बन, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाए, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और ये वाली कार्बन जो है सारी क्या है, sp3 है, तो आप इसको एरोमेटिक नहीं बोलोगे, फिर ये साइक्लो वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको आप बोलते हो साइक्लोहेक्सीन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और साइक्लो एल्केन्स में, ठीक है। या आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये हक्कल रूल वगैरह पढ़ा होगा, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ये मेरे सामने आया तो मैंने बता दिया। पता चल गया ना ये sp2 कैसे है, ये बताऊं, क्लियर क्लियर है मैम। हाँ है? अच्छा, बाकी नहीं होगा तो बता देना कि sp2 मैम आपने कैसे बोला। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा नेक्स्ट हमें स्टडी करना है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन से, ठीक है। एल्केन जो है हमारा टॉपिक रहेगा पहले। ओके, तो सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसको हम देखने वाले हैं। आप सैचुरेटेड मतलब आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओपन चेन इस तरह से चेन बनी हुई है ओपन। और ये वाली चीज ध्यान रखना कि सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। ये एमसीक्यू बन के आ सकता है कि पैराफिन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस एफिनिटी, पैरा मीन्स लेस और एफिन्स का मतलब लेस एफिनिटी। तो लेस एफिनिटी से क्या मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर आप इसमें एसिड ऐड करा रहे हैं, बेस ऐड करा रहे हैं, या कोई भी और रिएजेंट ऐड करा रहे हैं, तो या तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और अगर रिएक्ट भी करेंगे तो ना के बराबर ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये समझना पड़ेगा हमें कैसे होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख दिया है बस लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट है अच्छा खासा, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक ये ले लेती हूँ, इथेन ले लेती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, और फिर मुझे बताना कि मैम आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं कोई रिएजेंट ऐड करा लूँ, एरो के ऊपर जो लिखते हैं उसको रिएजेंट बोलते हैं, या आप एसिड डाल दो या बेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कोई चीज किसी में ऐड करवाते हो, अगर आप कोई चीज किसी में ऐड कराते हो, तो वो बॉन्ड तो ब्रेक करोगे तभी ऐड कराओगे। अदरवाइज आप मान लो कार्बन में कुछ और ऐड करा दो, तो क्या करोगे, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दोगे। और आपको पता है कार्बन के 5 बॉन्ड हो या 3 बॉन्ड हो, अनस्टेबल रहता है। तो अब मतलब आप कुछ ऐड करवा रहे हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो आप कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, या आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कराओगे, राइट। लेकिन मैंने बोल रहा है कि ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, यानी कि ये बॉन्ड तो टूटेंगे ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होंगे, तो हमें वही रीजन ढूंढना है कि क्यों नहीं ब्रेक होंगे, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी एक बच्चा बता दो क्या होता है। मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब मेरे पास, मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, हाँ सही है हर्षित, ठीक है।
आपको डाटा लर्न नहीं करना कि मैम तो 2.5 हमें लर्न करना, नहीं मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करो। और हाइड्रोजन की होती है अप्रोक्सीमेट 2.3, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, इसका अप्रोक्सीमेट 0.2 आ जाएगा। तो ये देखा गया कि कार्बन और हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है, 0.2 जो है ना के बराबर ही होता है। तो मतलब अगर मैं बोलूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रही हूँ आपको बॉन्ड में, तो जितनी ताकत इस कार्बन के पास है इन दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उतनी ये वाला कार्बन भी दिखाएगा। सेम यहाँ पे भी जितनी ताकत कार्बन लगाएगा उतनी, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा लगाएगा, लेकिन हम वो ना के बराबर नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो इसका भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग। अगर बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा तो आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे, बॉन्ड को ब्रेक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही रीजन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, कंडीशन सुनो, नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे आप जो है बॉन्ड को ब्रेक नहीं कराओगे, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है, आप ये भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें कम है और कार्बन कार्बन में तो है ही, ठीक है। आप नॉन पोलर भी बोल सकते हो कि सीसी बॉन्ड और सीएच बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा कोई नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी कितनी है। तो अगर आपको बॉन्ड ब्रेक कराना है तो बेटा या तो सनलाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे या हाई टेम्परेचर दोगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये सीसीएल बॉन्ड है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन है छुटकू सा, यही सेम कार्बन है छुटकू सा, तो छोटे छोटे में बॉन्ड स्ट्रोंग, सेम ऐसे कार्बन भी छोटा और हाइड्रोजन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, साइज कंपेरेबल होता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रोंग, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रोंग। अब यहाँ पे देखो कार्बन छोटा है लेकिन क्लोरीन बड़ा है, छोटा बड़ा बॉन्ड वीक, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि हम तो है नहीं कि आइंस्टीन है दिमाग में जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनकी वैल्यू याद रख लेंगे, ठीक है। ये तो मुझे थोड़ा याद था क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना तो मैं देख के आई थी, ठीक है। अदरवाइज मैं तो ऐसे करती, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रोंग, छोटा बड़ा बॉन्ड भी, ठीक है। तो समझ में आ गई ये वाली चीज कि बॉन्ड कब ब्रेक होगा और बॉन्ड क्यों कब ब्रेक नहीं होगा, जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलूं। हाँ जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में बोलो। हाँ, ठीक है, चलो। बाकी सारे सो गए क्या बेटा? हाँ ऐसे रिप्लाई करते रहो, मुझे तो लगे पता नहीं कहाँ भाग गए। चलो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, CnH2n+2, ठीक है। एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर एन वन होगा, चलो इधर देखो, अब एन वन होगा तो आप CH4 लिखोगे, जिसको आप मिथेन बोलते हो, एन टू के लिए आप इथेन लिखोगे, एन थ्री के लिए प्रोपेन, अप टू सोन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से जो है चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, क्योंकि हम एल्केन अभी स्टार्ट ही किया है तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को आती होगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने, फिर भी मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन नंबर बता देती हूँ कैसे निकालना है, जिसको आप स्टीरिक नंबर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टीरिक नंबर भी बोलते हो। कब बोलते हो स्टीरिक नंबर? अगर आपको ग्रुप 13 के मेंबर की हाइब्रिडाइजेशन निकालने, तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो प्लस लोन पेयर अगर है तो, ठीक है। जैसे इसमें देखो CH4, CH4 काउंट करो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3। 3 के करस्पॉन्डिंग sp2, 2 के करस्पॉन्डिंग sp, और अगर 5 हो तो sp3d। अच्छा मैंने sp3d क्यों लिखा, sp4 नहीं लिख सकती क्या, जल्दी एक बच्चा बताओ, एक नो स्टूडेंट। मैम, क्योंकि पी शेल में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कल जो मैं सेशन ले रही थी ना, तो उसमें आई थिंक एक दो बच्चे को डाउट था कि मैम आपने sp4 क्यों लिखा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा, p में 3 ही ऑर्बिटल होते, तो ये 3 ही यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन d में जरूर पहुंचेगा, तो इसलिए sp3d। अब क्योंकि CH4 है मिथेन, तो sp3 रहेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी, और एंगल क्या रहेगा, 109.5 रहेगा। आई होप ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें आओ, अगर आपको हायर एल्केन्स डिराइव करने हैं लोअर एल्केन से, तो कैसे करोगे? देखो जैसे इसमें मिथेन ले रखा है, सिंपल, ठीक है। आप क्या करोगे, इस एक काम करो, इस एच को हटा के CH3 ऐड कर दो, CH3 ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जब मैं मिथेन से इथेन की तरफ गई, यहाँ पे ये देखो कि टोटल कितने कार्बन है, एक, और टोटल हाइड्रोजन है 4। यहाँ पे देखो एक टोटल है 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब आप मिथेन से इथेन में गए तो एक CH2 यूनिट जो है एक्स्ट्रा आके लग गई, देख पा रहे हो, बाकी सब सेम है, एक दो टोटल 4 कार्बन 1 कार्बन इसमें भी यही था। तो जैसे ही आप दो कंजिक्यूटिव मेंबर लिखोगे, मिथेन और इथेन लिखोगे, इथेन के बाद प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन से ब्यूटेन लिखोगे, तो उसमें कितने का डिफरेंस आने वाला है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आने वाला है, या आप बोल सकते हो 14 मास यूनिट का डिफरेंस आने वाला है। क्यों 14 मास यूनिट का डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 2, सॉरी 1, तो CH2 में क्या हो जाएगा 12 + 2 = 14 का। और आप इसको क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो होमोलोगस सीरीज, 10th में देखा था ना ये होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमर्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हाँ जी चलो, ऐसे थम्स अप कर दिया करो सो दैट मुझे पता चले कि मुझे आगे जाना है। उसके बाद आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, यहाँ देखो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो या मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, वो तो सेम हो, लेकिन कार्बन स्केलेटन यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। मतलब जिसमें अरेंजमेंट ऑफ, आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसको आप बोलते हो आइसोमर। और फिनोमिना को बोलते हो आप आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम यहाँ पे एल्केन स्टडी कर रहे हैं। तो एल्केन जो है कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो किस में अराइज होगा, चेन में डिफरेंस होगा। और अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ध्यान से सुनो, अगर आपको कहीं पेपर में क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या पूछ लिया इन्होंने, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। एक सेकेंड मैं पेन ले लूं। तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर देखो, चेन आइसोमेरिज्म ठीक है क्योंकि हम एल्केन पढ़े, और भी आइसोमेरिज्म होते हैं लाइक डबल बॉन्ड आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, ये क्या होगा, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स और आपको पता चल जाए कि ये एल्केन का क्वेश्चन है, तो समझ जाना वहां पे वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपको चेन आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग उसका जो है वो आंसर करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C4H10, तो एक काम, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को, हाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ हर्षित। यहाँ पे देखो C4H10 है, 1 कार्बन को 4 लाइन में लगा दो, लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए, ये आपको पहले ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। अब आप क्या करो, 3 कार्बन को तो लाइन में लगा दो, एक ऊपर टंगा दो इसको, मतलब टंगाने का मतलब है ब्रांचिंग कर दो, ठीक है, ब्रांचिंग कर दो। आप इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं बना सकते हो आइसोमर, ब्यूटेन में जो है 2 ही आइसोमर जो है पॉसिबल होते हैं, एक ब्यूटेन वाला और एक 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल कैसा है इसका नेम, देखो नंबरिंग कर दो, 2 पोजीशन पे क्या है, CH3, CH3 के लिए आप क्या लिखते हो, मिथाइल लिखते हो, C2H5 के लिए क्या लिखते हो, इथाइल लिखते हो, आगे के लिए प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब लिखते हो, ठीक है, क्योंकि सब्सिट्यूएंट को आगे लिखा जाता है और उसके साथ YL लगता है। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, जो पेरेंट चेन है, 3 कार्बन है ना, 1, 2, 3, तो प्रोपेन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे आने लग गया आजकल, कॉमन नेम पूछा जाता है, जैसे देखो कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो कहेंगे आइसोबिटेन है, इससे रिलेटेड कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, तो आइसोबिटेन कैसे बताओगे, आइसो का मतलब होता है सेम, तो 1 कार्बन पे अगर 2 सेम ग्रुप लगे हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसो वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, और 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आइसोमर क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगी, जब आप देखोगे कि एनब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे ये देखो क्या लिखा हो, पेंटेन का एग्जाम्पल देते हैं।
हाँ किस तरह डिफरेंट होगी वो हम लेक्चर में आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या मतलब आइसोमर बनने से किस तरह से इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कम होगा ज्यादा होगा वो सब आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देखो आइसोमर में क्या बता रही हूँ मैं, पेंटेन का लो, पेंटेन में क्या होगा होता है पांच कार्बन लगा दो पांच कार्बन लाइन में, उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी देख सकते हो आप कि चार कार्बन तो लाइन में लगा दो और एक मिथाइल जो है टू पोजीशन पे लगा दो। अगर आप कहोगे मैम थ्री पोजीशन पे भी लगा सकते तो लगा के देख लेना यही सेम बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तीन कार्बन लाइन में लगाओ और एक कार्बन पे दो CH3 लटका दो, मतलब ब्रांचिंग कर दो। तो आप इसके अलावा बना के देख लेना, अगर किसी का मन कर रहा हो बनाने का आइसोमर तो बनेंगे ही नहीं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा अगर हाथ से बना के देखोगे कि ये तीन ही पॉसिबल है। अब इनका नाम कैसे आया, क्योंकि सब्सिक्वेंट को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 4, तो टू मिथाइल ब्यूटेन आइसो क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मतलब क्या है 2 2 आपको बेटा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने ये लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी SP3 हाइब्रिड जो मतलब जो भी है हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, अगर आपने लिख दिया डाई मिथाइल प्रोपेन तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको 2 2 लिखना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि टू पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन दैट इज 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका जो कॉमन नेम होगा कॉमन नेम प्लीज कर लेना, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नियो पेंटेन, नियो का मतलब क्या है, अगर एक एक कार्बन पे तीन सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके लिए नियो यूज होता है, दो का दो सेम लगे हुए ग्रुप आइसो यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ब्यूटेन का बता दिया, पेंटेन का बता दिया, अब आप मेरे लिए एक काम करोगे C6H14 के आप आइसोमर्स बनाओगे घर पे लेक्चर खत्म होने के बाद, कल संडे आराम से बना लेना या आज शाम को बना लेना, पूरा टाइम है। उसकी IUPAC नेमिंग जैसे ये लिखी हुई है, प्लस उनके कॉमन नेम, मैं जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, आज क्या है सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको पूछूंगी किन बच्चों ने बनाया और किन बच्चों ने नहीं बनाया, गॉट इट ना, जल्दी उसमें चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, अब मुझे आपको बताना है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, ठीक है, वो हम सीखते हैं। तो इधर देखो सपोज यहाँ पे मान लो कि एच लगा रखे हैं मैंने, जो ये बोन दिखा रखा है ना एच लगा रखे हैं मैंने। अब देखो मुझे ये पता करना है कि जो ये रेड रेड से लिखा हुआ है कार्बन, इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है। तो देखो आपको सिर्फ ऐसे करना है कि अगर ये एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, अगर एक कार्बन जो है ये बीच वाला दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर तीन कार्बन से अटैच है तो टर्शरी, अगर चार कार्बन से अटैच है तो क्वार्टनरी। ये समझाया क्यों मैंने, अभी तो आपको बेसिक लग रहा होगा लेकिन जब आप पढ़ोगे चैप्टर इसमें आएगा प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल, तो फिर वहां पे क्या होगा ये प्राइमरी सेकेंडरी तो बहुत यूज होंगे, ठीक है। आप स्टेबिलिटी भी कंपेयर करोगे कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक लिख दूं आपके लिए 1 2 3 4 5, तो मुझे जल्दी से कौन बताएगा, प्रिंस बताएगा कि 5 वाला कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, मैम प्राइमरी होगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी प्राइमरी होगा, बाकी ये सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड पोजीशन मैम वाला और फिफ्थ फोर्थ वाला प्राइमरी क्या होगा, होगा। सेकेंडरी होगा। हाँ फिफ्थ प्राइमरी होगा, फर्स्ट वाला भी प्राइमरी होगा, और ये जो बीच वाले हैं वो क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट चलें। अच्छा अब क्या है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको देती हूँ IUPAC नेमिंग, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अब मैं आपको कह रही हूँ इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुझे डिटरमाइन करके आपको बताना है, तो कैसे करेंगे, आप एक काम करोगे जो ये आगे लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, पहले आप किसको देखोगे, इसको देखोगे जो लास्ट में सफिक्स में आपका लिखा हुआ है, क्योंकि इससे आप ये पता लगा लोगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो आप पेंटेन में कितने होते हैं, पांच, तो 1 2 3 4 5, पांच कार्बन बना दो, बना दिए। अब जहां से आपका मन करे वहां से नंबरिंग कर दो, क्योंकि मेरी इसमें स्लाइड में 1 2 3 4 राइट हैंड साइड से हुआ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कर दी नंबरिंग। अब आओ कि क्या लिखा हुआ है, 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो लगा दो इथाइल, इथाइल मर्जी है C2H5 लिखो या CH2CH3 लिखो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 2 डाई मिथाइल, तो आप क्या करोगे सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दोगे,
बस खत्म, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ऐसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, अब इथाइल पहले क्यों आए आपको पता है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, सब्सिट्वेंट में मतलब नंबरिंग कैसे करोगे, पहले यहीं से करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि सब्सिट्वेंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से किया है। यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, तो किस पे आते सब्सिट्वेंट, आते आपका एक 3 पे आता और एक 4 आता। अगर आप यहाँ से कर रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो एक 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो कौन सा बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है ना, 2 3 वाला। ठीक है, तो आपको इस तरह से देनी होती है प्रायोरिटी। ठीक है, ये आई थिंक आपको हो गया होगा क्लियर, कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें। अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया तो जल्दी ये वाला क्वेश्चन कर दो जो आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और जल्दी से मुझे बता दो कि मैम हो गया। डन, चलो हेप्टेन किया होगा आपने, 7 वो बना दिए होंगे कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल लगाया होगा, 4 पे 2 मिथाइल लगाए होंगे, नहीं किया तो देख लो, मैं स्क्रीन पे करवा रही हूँ, वैलेंसी कंप्लीट कर लोगे राइट। सेकंड, यहाँ पे देखो 6 कार्बन लगाए होंगे आपने, 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगाया होगा और 5 पोजीशन पे मिथाइल लगाया होगा। ठीक है, अच्छा हो गया होगा ये वाला आपका, है ना, वैलेंसी कंप्लीट कर लोगे आप। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा हुआ है, C3H8 आपका जो है फर्स्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का। मुझे पता है फर्स्ट मेंबर वो होता है मिथेन, लेकिन जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमें वैसे फॉलो करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि C3H8 फर्स्ट मेंबर है, तो फोर्थ मेंबर जो है वो क्या होगा, जल्दी बता दो। C7H12 C7 नहीं होगा बेटा, इधर देखो क्या होगा, N3 जब है तो C3H8 है, वो फर्स्ट मेंबर है, यानी कि सेकंड मेंबर के लिए N4 होगा, थर्ड मेंबर के लिए N5 होगा, फोर्थ मेंबर के लिए N क्या होगा, 6 होगा, और आपको वही बताना है C6H14, और इसके आइसोमर मैंने आपको घर के लिए दिए हैं। ठीक है, करके आओगे आयुपैक नेमिंग प्लस कॉमन नेम। चलें आगे, जल्दी बताओ, चलें बोल दो अनम्यूट करके। यस मैम हाँ चलो ठीक है, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। देखो फर्स्ट है कि हम एल्केन्स के मेथड देखेंगे, कैसे कैसे हम जो है एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपको बताना, सबसे पहला जो मेथड है वो है कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, कैटालिटिक से मतलब है कैटलिस्ट, रिडक्शन से मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, या आप बोल सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं ऐड होना है, इसलिए इसका नाम क्या आया, हाइड्रोजनेशन आया। अब आप एल्कीन से भी एल्केन बना सकते हो और एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हो। अब जल्दी से इसका जनरल फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो कि एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन का आपको पता ही है CnH2n+2 होता है। इसमें जो रिएजेंट हम ले रहे हैं बेटा, वो ले रहे हैं पैलेटियम, पैलेडियम और निकल। ठीक है, निकल यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर, आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके, जैसे ये होता है ना, आप उसमें पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में, एक तो ये है और एक ये है। तो रिएक्शन अगर मैं पूछू किसमें फास्ट होगी, इसमें फास्ट होगी, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कम है। ठीक है, तो स्पीड को फास्ट करना, यही कैटलिस्ट, सॉरी रिएक्शन को फास्ट करना, यही जो है तो कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं कि कैसे होने वाली है रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इथीन है राइट, इथीन है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब मैं वो बता रही थी आपको लेस रिएक्टिव वाला,
कोई चीज अगर किसी में ऐड कराओगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कराओगे तो बॉन्ड डेफिनेटली ब्रेक होगा। आपको पता है डबल बॉन्ड एक सिग्मा होता है और इसमें एक पाई होता है, और आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, तो आपको बॉन्ड ब्रेक कर लोगे इजिली। तो अब इस पे नाम तो नहीं लिखा हुआ कि कौन सा सिग्मा और पाई है, तो आप जब ब्रेक करोगे तो ये अंडरस्टूड होगा सामने वाले के लिए कि इस बच्चे ने पाई बॉन्ड ही ब्रेक किया होगा। अब जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन इसके पास चलता बनेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चलता बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH3 बन गया ना। एल्केन से शुरू किया था, किस पे आगे हम एल्केन पे आगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप मेरी बात सुनोगे, मैं जितने भी आपको क्लास में रिएजेंट बताऊंगी, आप एक काम करोगे अपनी नोटबुक में स्टार बना के लिखोगे, ध्यान से सुनना इस चीज को, स्टार बना के लिखोगे कि आज मैम ने जो है ये वाला रिएजेंट बताया है, ठीक है। और रिएजेंट का नाम लिखोगे, उसका क्या काम है वो लिख दोगे कि एल्कीन या एल्काइन को ये किस में चेंज करता है, एल्केन में चेंज करता है, ठीक है। बस खत्म, पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको क्या करोगे, जब आगे जाके बहुत सारे रिएजेंट हो जाएंगे, चाहे आप 11th में करो तो चाहे 12th में करो, तो आपके पास एक प्रॉपर जगह होगी ताकि आप उसमें से आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। अब देखो प्रोपीन है, प्रोपीन में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड को हटाओ, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो। प्रोपाइन में क्या होगा, एक बॉन्ड हटाओ, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, ठीक है। एक और हटाओ, एक एच इसको दे दो और एक एच इसको दे दो, बन गया। तो देख रहे हो आप एल्कीन और एल्काइन से आप जो है एल्केन जनरेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो वरना आगे चलो। सिंपल थी रिएक्शन, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटा के एच एच जोड़ने हैं। अच्छी बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे आओ, नेक्स्ट रिएजेंट है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। जिंक यहाँ पे, ये वाला जिंक, जिंक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। पहले तो मेरी ये बात सुन लो, मैकेनिज्म जिसका जरूरी होगा वो यहाँ पे मैं करवाऊंगी, लेकिन जरूरी नहीं है तो समझ जाना वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, और वो हम जो है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पे जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और जिंक में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को फिर भी मैकेनिज्म देखना है तो प्रदीप की बुक में आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। सिर्फ रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, उसको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन ले सकती हूँ, ब्रोमीन ले सकती हूँ, आयोडीन ले सकती हूँ। तो जिंक ये जो रिएजेंट है ये क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जो आपने ये H2 ऐड करवाया है, एक H2Cl के साथ कंबाइन होके HCl लेके निकल जाएगा बाहर, और एक H जो है आपके CH3 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। सेम इसमें भी यही है, एक HCl के साथ बाहर चला जाएगा और इसमें एक H ऐड होके इथेन बन जाएगा, और यहाँ पे भी 1-chloropropane से आपको प्रोपेन मिल जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या ऐसे सोच लो कि जो भी हेलोजन है उसको बाहर निकालो, उसकी जगह एच लगा लो, ठीक है। तो ये काम होता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये तो था जो यहाँ पे स्लाइड में है। एक और चीज है, एक्स्ट्रा ऐड करो, जल्दी स्टार बना के लिखो कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, और आप उसमें डाल रहे हो, लिखो मेरे साथ, अगर आप उसमें डाल रहे हो जिंक डाइल्यूट HCl, तो आपको वहां पे हाइड्रोकार्बन्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स मिलने वाले हैं। लिख लिया ये वाली चीज। अब देखो, सपोज मैं ले लेती हूँ CH3CO CH3, क्या है ये, कीटोन है ना, एसीटोन बोलते हो, या इसका आयोपिक नेमिंग होता है प्रोपेनोन। अगर आप इसमें डालोगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये क्या करेगा, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रखो, सिर्फ इस डबल बॉन्ड ओ को हटा दो, कुछ भी नहीं करना, डबल बॉन्ड इस ओ को हटा दो। हटा दिया, अब कार्बन के पास दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड और कंप्लीट कर दो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, खत्म, बन गया ना हाइड्रोकार्बन। सेम ऐसे ही एल्डिहाइड में भी करना है, डबल बॉन्ड ओ को हटा के कुछ नहीं करना, हटा दो और उसकी वैलेंसी जो है कार्बन की कंप्लीट कर दो। तो ये वाला रिएजेंट पता चल गया, जिंक इन डाइल्यूट HCl क्या करता है, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में चेंज करता है, और एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ताकि मैं आगे मूव करूं। डन डन डन, डंडना डन लिख दिया करो, ठीक है, डंडना डन। चलो अच्छा, लास्ट वाला रिपीट,
एल्डिहाइड कीटोन वाला, देखो मैं कह रही हूँ ये तो समझ में आ गया होगा, जिंक डाइल्यूट एचसीएल का जो है एक और काम होता है एल्डिहाइड और कीटोन को, इसका एक नेम भी होता है रिएक्शन का, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती लेकिन बता देती हूँ, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये 12th में है चैप्टर, उसमें देख लेंगे। लेकिन इसका काम देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप जिंक डाइल्यूट एचसीएल डालते हो तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड कीटोन का डबल बॉन्ड ओ हटाना है, डबल बॉन्ड ओ हटा दो और उसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो एच से, बस यही था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वुड्स रिएक्शन हर साल आती है पेपर में, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आती है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। इसका भी, इसका मैकेनिज्म हाँ हम देखेंगे, लेकिन पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैकेनिज्म से और चीजें क्लियर हो जाएंगी इस रिएक्शन में, तो मैकेनिज्म इसका मैं कराऊंगी। देखो क्या होता है, एल्काइल हेलाइड है, ठीक है, एल्काइल हेलाइड लेना है इस रिएक्शन में, पहली तो बात ये, रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है, एल्काइल हेलाइड लेना है आपको, सोडियम मेटल लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेना है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। अगर आपने कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया जिसमें मॉइस्चर हुआ तो आपको पता है सोडियम रिएक्टिव है तो कैच कर लेगा फायर को, तो आप देखोगे ऑर्गेनिक में मोस्टली जो सॉल्वेंट्स लेते हो आप ड्राई इथर लेते हो, ड्राई इथर को ना बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना गया, ठीक है, तो हम जो है मोस्टली जगह आप देखोगे ड्राई इथर ही लिखा होगा, आपकी काफी ग्रिगनार्ड रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें ड्राई इथर लिया जाता है, ठीक है, वो तो जैसे जैसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे आपको पता लगता जाएगा। देखो ऑर्गेनिक में ना कुछ चीजें रिपीट होती हैं, मतलब ऑर्गेनिक में ना मैं ये बोलूंगी कंसेप्ट रिपीट होते रहते हैं कि इसमें ये लगा दे तो आने वाली जो भी हम करेंगे मैकेनिज्म करें या कुछ पढ़ें तो उसमें वो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, फिजिकल में तो ये होता है हर चैप्टर में नई चीज आ जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में सेम चीजें रिपीट होती हैं कई, ठीक है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलते ऑर्गेनिक में, ठीक है, इसलिए मुझे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, आपका पता नहीं मुझे। चलो देखो एल्काइल हेलाइड लेना है तो आर एक्स ले लो, आर यहाँ पे एल्काइल है, हेलाइड आप ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन, ना 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 मैं तीनों पढ़ाऊंगी, तीनों पढ़ाऊंगी, ठीक है, सोडियम लो, एक और मॉलिक्यूल लो एल्काइल हेलाइड का। आपको सिर्फ क्या काम करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ इनको बाहर निकाल देना 2NaX को, और इनको जो आर आर है इनको जोड़ देना है बस, और कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब कैसे होगा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, देखो वैसे तो यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे जो है देखो, या एक काम करती हूँ मैं अलग पेज लेके समझाती हूँ मैकेनिज्म, ठीक है, तो देखो एक तो आपको लेना है एल्काइल हेलाइड है ना, ले लिया, एक आपको लेना है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या होगा, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, आपको पता है सीसीएल का बॉन्ड जो होता है वीक होता है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पे होता है बेटा होमोलिटिक फिजन, कौन सा फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन क्या होता है कि अगर बॉन्ड है एक किसी कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो हम इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं, अगर आप इसको कंप्लीट एरो से दिखाओगे तो इसका मतलब होगा हिट्रोलिटिक फ्यूजन, कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बी के पास जा रहे हैं, तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, रेडिकल्स मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाले हैं, रेडिकल्स मिलने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि वुड्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आओ, सेकंड स्टेप में देखो एनए का क्या काम है, एनए का काम होता है आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है ताकि वो जो है स्टेबल गैस कॉन्फिग्रेशन में स्टेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये क्लोरीन का रेडिकल था, अब बेचारा ये तो बहुत रिएक्टिव है क्योंकि आपको पता है जो रेडिकल स्पीसीज होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन पकड़ के क्या बना लेगा, सीएल नेगेटिव बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले था एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसने बना लिया सीएल नेगेटिव और ये एनए प्लस के साथ कंबाइन होके सोल्ट बना लेगा एनएसीएल, ठीक है। अब बच्चा बेचारा हमारा CH3 रेडिकल बच गया ना, ये वाला जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, अब ये क्या करेगा, अब ये अंडरस्टूड होता है कि आप जब कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस करा रहे हो या किसी
कोई किसी में भी इनऑर्गेनिक में करा रहे हो, फिजिकल में आ रहे हो, तो हम ये माना जाता है कि उस रिएक्शन में ऐसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? तो CH3 वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे होंगे, तो CH3 वाला जो है रेडिकल अपने ही किसी दोस्त, अपने ही किसी साथी के साथ, CH3 के साथ कंबाइन होके क्या कर देगा, रेडिकल रेडिकल कंबाइन होके क्या बना लेगा, CH3 CH3 बना लेगा, डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज का मतलब क्या है, एक पहले था, एक और आया, दो मिल गए, डाइमर बन गया। दो डाइमर मतलब दो के लिए यूज होता है, ठीक है? तो ये रहता है इसका मैकेनिज्म। आई होप मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ पहले, नहीं है तो फिर मैं आगे और इसके बारे में चीजें बताऊं, मैकेनिज्म अगर क्लियर हो गया होगा तो। अमर कह रहे नो मैम, ठीक है। अमर इधर देखो बेटा, पहले स्टेप में आपने क्या किया, CCL का बोन ब्रेक करवाया, ठीक है, होमोलिटिक फिजन करवाया, आपको रेडिकल मिल गए क्लियर, मिल गए रेडिकल। फिर उसके बाद क्या है, सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, दे दिया। अब सीएल रेडिकल, क्योंकि रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने, वो इलेक्ट्रॉन लेके सीएल नेगेटिव बना लेगा और एनए के साथ कंबाइन होके एनएसीएल बना लेगा। अब हमारा बच्चा बेचारा, ये CH3 रेडिकल, ये क्या करेगा, ये भी बहुत रिएक्टिव है। रेडिकल का मतलब ये मैंने लगाया ना, एक ओड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको बोलते हैं, वो रेडिकल होते हैं, ठीक है? जैसे कार्बोकेटायन में आप बोलते हो ना पॉजिटिव चार्ज और कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज, ऐसी रेडिकल स्पीसीज भी होती है, ठीक है? अच्छा, तो CH3 क्या करेगा, अपने किसी साथी के साथ कंबाइन होके क्या कर लेगा, डाइमराइज होके कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, संकल्प कह रहे हैं होमोलिटिक। अच्छा बता देती हूँ, एक सेकेंड, देखो देखो, ये मैं सपोज एक जनरल बात लिख रही हूँ, ए बी, देखो एक बॉन्ड आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है ना। अब आपको अगर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करवाना है कि एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए, तो आप यहाँ पे क्या कराते हो बेटा, हाफ हेडेड एरो से दिखाते हो, और इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। इसका नाम है होमोलिटिक फिजन, मतलब टूटना, ठीक है, होमोलिटिक फिजन होता है। लेकिन अगर आप मान लो आप चाहते हो कि ये दो इलेक्ट्रॉन है वो या तो पूरे बी पे जाए या पूरे ए पे जाए, तो ये आपने पूरे एरो से दिखाया उसको, कंप्लीट एरो से, इनको बोलते हैं हिट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं, हिट्रोलिटिक फिजन, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, होमोलिटिक फिजन में रेडिकल्स बनते हैं, लिख लो कहीं पे, नहीं पता तो, होमोलिटिक फिजन में रेडिकल्स बनते हैं और हिट्रोलिटिक फिजन में क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। चलो अब ये वही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया है कि पहले CCL बॉन्ड का ब्रेक होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है? यही सेम चीज मैंने बताई है, ठीक है? ये NaCl के साथ कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने एक चीज नोटिस की है, हम लेके तो क्या चले थे, CH3Cl, आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, ये तो मैंने सिंपल वाला लिया CH3Cl, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रोंग रखना अपना, ठीक है? अच्छा, CH3Cl लेके चले और हमने रिएक्शन कराई सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर में, तो आपको क्या मिला, आपने नोटिस किया, आपको मिला CH3CH3। मतलब लेके तो चले थे एक कार्बन, लेकिन आपको प्रोडक्ट में क्या मिले, दो कार्बन मिले। तो बेसिकली अबूट्स रिएक्शन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, ठीक है? मतलब आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कार्बन ट्वाइस हो जाते हैं, अगर एक कार्बन है तो दो होंगे, दो है तो चार, चार है तो आठ, पांच है तो 10, ठीक है? इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं, बनते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल हैलाइड। लिख लो ब्रैकेट में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वुड्स रिएक्शन में इंक्रीज होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा जल्दी मुझे ये बताओ, क्या मैं मिथेन प्रिपेयर कर सकती हूँ वुड्स रिएक्शन से? कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है, क्या मैं मिथेन वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकती हूँ? नो मैम, पॉसिबल नहीं है वाई मैम, क्योंकि कार्बन इंक्रीज करेंगे तो अगर मीथ सिंगल वाला ग्रुप लेंगे तो ब्रेक करके डबल बनेगा, तो इथेन बनेगा, मीथेन बनेगा हाँ, ये। मतलब मिनिमम अपा को कितने कार्बन चाहिए, दो कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मिथेन आप वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? मिथेन में बेटा एक ही कार्बन होता है, इथेन में होते हैं दो कार्बन, ठीक है? तो मिनिमम आपको वुड्स रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मिनिमम दो कार्बन तो होंगे ही होंगे। चलो नेक्स्ट पे आओ।
अब देखो ये एग्जाम्पल है, कुछ एल्काइल हैलाइड ले रखे हैं दोनों मैंने, एनए ले रखा है, जस्ट आपको क्या करना है एनएबीआर को बाहर निकालना है। इतनी सिंपल नहीं आएगी बेटा रिएक्शन, ये तो एग्जाम्पल ताकि आप अभी पढ़ रहे हो तो समझ आ जाए, एक बार कंसेप्ट आ जाएगा समझ में तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज भी कर सकते हो। सेम प्रिंस अभी बता रही हूँ मैं कि हम सिमेट्रिकल एल्केन्स क्यों लेते हैं, अभी तो मैंने वो बताया ही नहीं पॉइंट, अभी बताऊंगी मैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी क्लास, लेकिन ये वुड्स रिएक्शन वाला खत्म करके जाएंगे ठीक है। इसमें भी सेम एनएबीआर बाहर निकालो और ये बन जाएगा। अब देखो पेपर में तो आपको एक ही अल्काइल हैलाइड दे रखा होगा, अगर आपसे वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये खुद सोचना है कि इस रिएक्शन में बहुत सारे अल्काइल हैलाइड होंगे और आपको फिर ज्वाइन करके जो है वो बनाना है। आपको देंगे नहीं इतने अच्छे से, नहीं देंगे कि ऐसे बना के थोड़ी ना देंगे, इतना इजी तो भाई आजकल बोर्ड में भी नहीं आता क्वेश्चन, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि बहुत सारे अल्काइल हैलाइड होंगे ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं। ओके सो अब आप एक काम करो, जल्दी से इन 2 पॉइंट को नोट करो अपनी नोटबुक में स्टार लगा के, स्टार का मतलब है इम्पोर्टेंट है, कि जो ये वुड्स रिएक्शन में जो है सिर्फ वो प्रेफर करते हैं हम सिमिट्रिकल एल्केन्स के लिए, या आप बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ही ये वुड्स रिएक्शन काफी अच्छी है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम या बोल दो और सिमिट्रिकल एल्केन्स एक ही बात है ठीक है। लिखो इसको और नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि नॉट प्रेफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लिखो जल्दी, फिर मैं समझाती हूँ कि क्यों नहीं होता। आई थिंक उसका क्वेश्चन था ना ये प्रिंस का, अभी मैं बताती हूँ, लिख लिया। चलो समझते हैं कि ओड नंबर में ऐसी क्या कमी आ गई कि नहीं हम उसको इतना मानते कि प्रेफर है। चलो देखो जैसे मैंने एक ले लिया CH3Cl, यहाँ पे ले लिया मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। एक मैंने ले लिया CH3CH2Cl, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ कितने हैं, 1 2 3, तो ओड हो गया। चलो अब देखो इसमें कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, मतलब कितने कितने मुझे प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें वो देखना है। अब एक तो पॉसिबिलिटी कि CH3 अपने ही किसी CH3 के साथ कंबाइन होके ये बना ले, राइट। एक पॉसिबिलिटी है कि ये इथाइल ग्रुप अपने ही किसी के साथ कंबाइन हो, और आपको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन नंबर डबल मिलते हैं, तो 2 हैं तो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो CH3 CH2 CH2 CH3 है ना। या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में दोस्ती कर लें, दोस्ती कर लें तो क्या दे देंगे, CH3 CH2 CH3 ठीक है, तो आपको इथेन मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा, ब्यूटेन। तो आप देख रहे हो जब आप ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम ले रहे हो तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल रहे हैं ठीक है, और इन मिक्सचर ऑफ एल्केन्स को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जो है वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन है कि हम ओड वाले कार्बन एटम को यूज नहीं कर सकते, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब हमें क्या मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक मेजर प्रोडक्ट ही चाहिए, ये अनवॉन्टेड प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। जब आप ले रहे थे CH3Cl ले रहे थे तो आपको सिर्फ एक यही प्रोडक्ट मिल रहा था, हाँ इनका सेपरेशन टफ होगा यही मैंने बोला है ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ये बनने की, इसके अलावा आप बना ही नहीं सकते। तो याद रखना कि ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होता है एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर करने का, तो आप इसको वुड्स रिएक्शन की क्या बोल सकते हो, लिमिटेशन भी बोल सकते हो। अब क्योंकि मैंने वुड्स रिएक्शन बता दिया तो एक बार ये भी देख लो, ये वैसे 12th में आपका टॉपिक एक होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में आप लेते हो क्लोरोबेंजीन लेते हो ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन लगा होगा। अब मैंने कहा बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और आप हर किसी में देख रहे हो कि दो दो मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो इसमें भी ले लो, सोडियम होगा, कुछ नहीं करना इसको बाहर निकालो और ये दोनों आपस में जोड़ दो ठीक है। एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक तो लेते हो आप क्लोरोबेंजीन और एक लेते हो एल्काइल हैलाइड लेते हो, कुछ नहीं करना, सेम NaCl को बाहर निकालो, इस कार्बन के साथ इस R को जोड़ दो ठीक है। एक होती है उल्मन रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे हम वुड्स रिएक्शन में सोडियम यूज करते हैं इसमें हम यूज करते हैं कॉपर, काम वही है, इसको आप इग्नोर करो, CuI लिखो, इस काम वही है, इसमें CuI बाहर निकल जाएगा और RR जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी और मुझे आंसर बताओ, फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूं। ब्रोमो इथेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन को जब आप मिक्स करोगे सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कौन सा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, स्क्रीन पे नहीं देखोगे आप लोग
स्क्रीन पे मैं लिखूंगी। ये हर्षित आई थिंक कल वाले क्लास में भी था। हाँ जी, मैम ऑप्शन ए ए वाला। अच्छा, यस मैम यानी कि आप ब्यूटेन कह रहे हो नहीं बनेगा। चलो इस पे देखो स्क्रीन पे एनबी देखो। ऑप्शन डी ऑप्शन हाँ देखो, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो ये अपने साथ अपने ही किसी के एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन कर ले, तो दो हैं प्रोडक्ट में, मुझे चार मिलेंगे कार्बन एटम। इसमें कितने हैं, तीन, तो प्रोडक्ट में मुझे छह कार्बन एटम मिलेंगे। या ये अपने किसी के साथ दोस्ती कर लें तो कितने मिलेंगे, दो और तीन पांच। यानी कि ब्यूटेन भी आपको मिलेगा, पेंटेन भी आपको मिलेगा, हेक्सेन भी आपको मिलेगा, सिर्फ हेप्टेन ही ऐसा है जो आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपके लिए सही रहा होगा। जल्दी बता दो, नेक्स्ट जो भी रहेगा हम उसमें आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बता दो कैसा लगा ये सेशन आपको। स्पीड सही लगी, और भी चीजें हैं आप मुझे बता सकते हो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं इम्प्रूव कर लूं। बेटा राहुल, केमिस्ट्री की तो नहीं होगी।